हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क की कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम का जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क है वो क्यों ड्रॉ किया जाता है, उसको ड्रॉ करने के क्या फ़ायदे हैं और व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द प्रोसीजर बाय विच वी कैन ड्रॉ ए मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा क्या होता है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। टू डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क बहुत यूज़फुल होता है। अब इसके जो प्रोसीजर है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके पहले प्रोसीजर को आप नोट कर लीजिए। प्रोसीजर क्या है, पहले आप लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन, और उस रेफरेंस लाइन में कंसीडर द फिक्स पॉइंट, उसमें कुछ पॉइंट्स को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं, पहली चीज़ एज ए रेफरेंस। ठीक, फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, जैसे आप देखते हैं ना डिस्प्लेसमेंट को कैसे जनरली शो करता है, डिस्प्लेसमेंट जो दिए हुए हैं आपके x1 x2 x3 एंड सो ऑन, इसके करस्पॉन्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द नोड्स, नोड सेलेक्ट करते हैं। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम कनेक्ट वन एंड ऑफ मासेस टू द रेफरेंस लाइन, इसमें कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट वन एंड ऑफ मासेस, जो भी मासेस क्वेश्चन में दिए हैं, कनेक्ट वन एंड ऑफ मासेस टू द कहाँ पे, रेफरेंस लाइन पे, रेफरेंस लाइन। ठीक, फिर स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, उसके बाद कनेक्ट अदर एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू द नोड्स, फिर हम और एलिमेंट्स को कनेक्ट अदर एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू द नोड्स, फिर नोड से हम अदर एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। और स्टेप 5 में हम क्या करते हैं कि नोडल एनालिसिस अप्लाई, नोडल नोडल एनालिसिस या KCL अप्लाई करते हैं, और इसको अप्लाई करके क्या करते हैं हम, राइट सिस्टम इक्वेशन, हमारे राइट द सिस्टम इक्वेशन, हमारे पास सिस्टम इक्वेशन आ जाती है। तो ये स्टेप्स होते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क को निकालने के लिए किसी भी गिवन कंट्रोल सिस्टम का। अब इसको मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहते हैं। तो अब सपोज कीजिए हमने कहा कि एक कोई आपको कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, अभी हम मान लीजिए बहुत ही सिंपल कंट्रोल सिस्टम लें ताकि आपको इजीली समझ में आए। सपोज कीजिए कोई कंट्रोल सिस्टम आपको दिया हुआ है, से ये है ऐसे रूफ पे, और इस रूफ से ये एक ब्लॉक है एम, जिसका मास एम है, ये कनेक्टेड है कैसे, एक तो स्प्रिंग लगा हुआ है के, और दूसरा ये डैम्पर लगा हुआ है बी। ठीक, और इसको हम इधर पुल कर रहे हैं फोर्स किससे, FT से। अब इसका हमको क्या कर, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है ये x। अब इसका हम देखिए अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आएगा, इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, आपने जो हमने स्टेप आपको लिखवाए हैं, ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन, कंसीडर द फिक्स पॉइंट्स एज रेफरेंस। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ये रेफरेंस लाइन खींच लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि रेफरेंस लाइन खींचने के बाद हम सारे पॉइंट्स को, ठीक है ना, पहला स्टेप तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट दिस।
अब इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए हम सबसे पहले हमने क्या कनेक्ट किया, ये M कनेक्ट किया, तो M किस तरह कनेक्ट हो जाएगा, मान लीजिए हमने कहा ये M हो गया, ठीक, फिर हमने कहा ये हमारा डैम्पर B हो गया, ये कनेक्ट कर दिया हमने, उसके बाद और क्या बचा, ये स्प्रिंग है K, ये हमने कनेक्ट कर दिया, और ये जो फोर्स है, फोर्स की जगह हमने ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एफ टी, ये कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इनको, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब ये जो फोर्स यह हो जाएगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर इधर कितना फोर्स हो जाएगा बी डी एक्स बाई डी टी, इधर कितना फोर्स हो जाएगा के इंटू एक्स, जहां पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो ये इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ हो जाएगा, ये फोर्स डायरेक्शन हो गई, ये इसका क्या आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट और नेटवर्क, ठीक। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम नोडल एनालिसिस अगर अप्लाई करेंगे, अप्लाई नोडल एनालिसिस, तो हमारी जो सिस्टम इक्वेशन आ जाएगी एफ टी इज इक्वल टू एफ टी, ये एफ टी चाहे ये ले लीजिए चाहे इसको भी स्मॉल कर दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ये एफ टी है, तो एफ टी इज इक्वल टू आपका आ गया एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी और प्लस के एक्स, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम इक्वेशन आ गई, तो ये एडवांटेज मिलता है आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने से, ठीक है। अगर इससे एक फायदा और मिलता है, जैसे अगर आपने ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लिया है किसी भी गिवन सिस्टम का, तो अगर इसका आप इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिस्टम ड्रॉ करना चाहें, जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिस्टम, तो ये ड्रॉ करना चाहें तो बड़े आराम से बिल्कुल इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं कि साहब फोर्स की जगह मान लीजिए ये हो गया करंट आ गया, ठीक, फिर आपका मास की जगह क्या आ जाएगा, मास की जगह ये आपका कैपेसिटर हो गया, फिर बी की जगह क्या आता है, बी की जगह मालूम है कि वन अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये वन अपॉन आर हो गया, और फिर के की जगह क्या आता है, वन अपॉन इंडक्टेंस, तो ये हमारा के की जगह वन अपॉन एल आ गया। तो ये एक तरह से मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट से हम इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिस्टम भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस एक मैकेनिकल सिस्टम का एग्जाम्पल लेके हमने आपको बता दिया कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, और मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क से अगर इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिस्टम भी आप ड्रॉ करना चाहें तो वो भी आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, और इससे आप सिस्टम इक्वेशन इस तरह निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए और आप प्रैक्टिस करना चाहें तो सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन लीजिए, कि क्वेश्चन ये है कि आपको फिर इसका भी मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना है। सिस्टम जो दिया हुआ है मान लीजिए, से सपोज कीजिए सिस्टम आपको जो गिवन है वो है ये हो गया, ठीक है। अब इस पे दो ब्लॉक हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे ये रोलर पे है और यहाँ पे ये रोलर पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया मास M1, ये हो गया M2, ये कनेक्टेड है इससे, किससे, स्प्रिंग K1 से, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है स्प्रिंग K2 से, K2, और एक डैम्पर लगा हुआ है, ये है B1, ठीक। उसके बाद इसको हम पुल कर रहे हैं फोर्स F से, और ये जो इन रोलर में जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसमें लग रहा है इस डायरेक्शन में B2,
और इसमें लग रहा है इस डायरेक्शन में B3, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है M1 ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दिया है X1 और M2 का दिया हुआ है X2। ठीक, तो ये हमारा गिवन सिस्टम है और इसका हमको मैकेनिकल इक्विवेलेंट सिस्टम ड्रॉ करना है। ठीक, तो देखिए इसका अगर इसका हमें क्या करना है, ड्रॉ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक, अब जो स्टेप्स हमने आपको अभी नोट कराए थे उससे जब आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या किया आपने, आपने एक रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक, अब रेफरेंस लाइन के बाद आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें, X1 और X2 दो डिस्प्लेसमेंट है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे भी आपने दो नोड ले लिए, X1 X2, ये दो नोड हो गया X1 और X2। अब देखिए X1 में क्या क्या कनेक्टेड है, M1 है, K1 है, तो आपने क्या किया, ये X1 से लेके आया आपने, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया K1 और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने M1। ठीक, फिर आपने कहा साहब M2, तो M2 से आप पहले यहाँ आ जाइए, X2 से क्या क्या कनेक्टेड है, M2 है और इधर ये फोर्स है, तो आपने ये लगा दिया M2। ठीक, और ये आपने एक फोर्स लगा दिया FT। ठीक, अब X1 और X2 के बीच क्या कॉमन है, K2 और B1। ठीक, और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को जब आप दिखाएंगे तो अच्छा चलिए इन दोनों को जब आप दिखाएंगे और ये दोनों इस तरह, चाहे तो आप इनको अलग अलग जोड़ के दिखाइए, चाहे इनको आप यहाँ पे एक सीरीज बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, और ऐसे लाके आपने ये लगा दिया डैम्पर और ये लगा दिया आपने K2 इस तरह, तो ये हो गया आपका B1 और ये हो गया आपका K2। ठीक, अब इसके अलावा ये जो देखिए B2 है और ये B3 है, तो B2 क्या है, M1 से और X1 के बीच में, तो M1 और X1 के बीच में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपने लगा दिया B2। ठीक, इसी तरह X2 और इसके बीच में आप यहाँ पे लगा देंगे B3। ठीक है, तो और मान लीजिए ये कॉमन नोड है या कॉमन रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको आप ऐसे अर्थिंग दिखा दीजिए। तो इस तरह से आप मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क किसी भी सिस्टम का आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और एक क्वेश्चन आप इस पर और कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए ये सिस्टम दिया हुआ है, मैकेनिकल सिस्टम दिया है, ये इधर भी वॉल है और इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक रखा है M1 और एक ब्लॉक रखा है M2। ये M1 है, ये M2 है, ये अपना रोलर पे ऐसे सेट है और ये जो है सरफेस, ये रफ सरफेस है। ठीक, और इसमें देखिए अब ये कनेक्टेड है इससे, किससे, K1 से, ये कनेक्टेड है किससे, K2 से, ये कनेक्टेड है किससे, K3 से। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया X2, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया X1। ठीक, अच्छा ये जो व्हील्स यहाँ पे उसने मेंशन किया, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मेंशन किया, उसने लिखा है कि ये जो व्हील्स हैं, व्हील्स आर फ्रिक्शनलेस, ये मेंशन है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हमें इसमें
कह रहा है कि ड्रॉ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क, सेकंड कह रहा है राइट द सिस्टम इक्वेशन, राइट द सिस्टम इक्वेशन, और थर्ड कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। क्या है ट्रांसफर फंक्शन? एफ एस अपॉन एक्स टू एस। ये तीन काम हमें करने हैं। तो देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क जैसे ड्रॉ करते आए थे वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपली हमने कहा कि ये एक रेफरेंस लाइन ले लिया हमने, ये ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अच्छा इसमें एक चीज़ ये, इसको हम इस M1 को हम फोर्स F1 से प्रेस कर रहे हैं, एफ टी फोर्स से हम इसको प्रेस कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमने लगा दिया एफ टी, ये हमारा है मान लीजिए पॉइंट एक्स वन डिस्प्लेसमेंट जो दिखा रहा है नोड, और ये हो गया हमारा एक्स टू। ठीक, अब एक्स वन और इसके बीच में ये हो गया एम वन, और इन दोनों के बीच में ये है के वन। सिमिलरली एक्स टू और रेफरेंस लाइन के बीच में ये हो गया एम टू, ठीक है, और ये हो गया K3, क्लियर। और X1 और X1 और X2 के बीच में क्या है? K2। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए ये हो गया K2। तो ये इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क आ गया। अब जब आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, अप्लाई नोडल एनालिसिस, तो देखिए सिस्टम इक्वेशन जो आएगी आपकी जब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे तो सिस्टम इक्वेशन हमारी आ रही है एफ टी इज इक्वल टू एम वन डी टू एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स वन माइनस एक्स टू। ये सिस्टम इक्वेशन आएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम। ये तो इक्वेशन वन हो गई से, ठीक है। अब दूसरे का आप लिखेंगे तो के टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम टू डी टू एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन टू। तो ये दोनों सिस्टम इक्वेशन आएगी। अब ये तो देखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रा हो गया और सिस्टम इक्वेशन भी ड्रा हो गई। अब इनसे ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिस्टम इक्वेशन, इनका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो पहले का आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू हो गया एस स्क्वायर एम वन एक्स वन एस प्लस के वन प्लस के टू एक्स वन एस माइनस के टू एक्स टू एस, ठीक है। और दूसरे वाले का आ जाएगा एस स्क्वायर एम टू एक्स टू एस प्लस K2 प्लस K3 X2S माइनस K2 X1S इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी इन दोनों सिस्टम इक्वेशन की। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है, इस इक्वेशन से आप X1S की वैल्यू निकालेंगे तो X1S इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एस स्क्वायर एम टू प्लस के टू प्लस के थ्री
डिवाइडेड बाई के टू इंटू एक्स टू एस, ये आएगा। तो एक्स वन एस की ये वैल्यू उठा के हम पहली यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। और रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एफ एस अपॉन एक्स टू एस इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास एस स्क्वायर एम वन प्लस के वन प्लस के टू इंटू एस स्क्वायर एम टू प्लस के टू प्लस के थ्री माइनस के टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टू। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसफर फंक्शन भी जो निकालने के लिए कहा गया था वो निकल आएगा। तो आई होप कि आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना और उससे ट्रांसफर फंक्शन को निकालना ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।